Hello and welcome. This is Purushottam Kumar here, and you are watching Purushottam Kumar English Booster. Today's episode will deal about the death of an actor, Sushant Singh Rajput. An incident followed, media's role, and the nature and traits of Indian society. सो आज का यह एपिसोड आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा. आप अच्छे वोकैबुलरी के साथ साथ इंग्लिश के अच्छे सेंटेंस के कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्स और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन सीख पाएंगे. इतना ही नहीं, यह एपिसोड आपको यह समझाने में सफल होगा कि कोई एक इंसिडेंट कैसे किसी समाज का एक कंप्लीट एक टिपिकल टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको बाहर लाता है. सो फ्रेंड्स, दिस एपिसोड इज रियली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे. आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें. इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले लेट मी हैव एन प्रिविलेज टू अपील बिफोर यू. जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे फटाफट सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे. नाउ विदाउट टेकिंग ए मोर टाइम, लेट्स मूव टू द मेन पार्ट ऑफ दिस एडिटोरियल. समथिंग रॉटन. रॉट एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सड़ना, धीरे धीरे डिके हो जाना, क्षय होना, बर्बाद हो जाना. यानी कि कुछ है समथिंग रॉटन जो कि सड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है, डिके हो चुका है, क्षय हो गया है. वो क्या है आगे देखते हैं. द डेथ ऑफ सुशांत अपीयर्स टू हैव लेट बेयर डीपली इंट्वेंस्ड सोशल प्रेजुडिसेस. इसका मतलब क्या हुआ? सुशांत की मृत्यु, राइट, द डेथ ऑफ सुशांत मतलब सुशांत की मृत्यु. अपीयर्स मालूम पड़ता है टू हैव लेड, है ना, कि इसने एक नया चीज उत्पन्न किया है. टू हैव लेड का मतलब नया चीज उत्पन्न किया है. पैटर्न आप समझ लें, अपीयर्स टू हैव, सीम्स टू हैव, ये सेंटेंस का पैटर्न होता है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि इसने ऐसा कुछ उत्पन्न किया है या नया कुछ किया है. तो appears to have laid, ये जो laid word है, ये lay word का ये आपको past participle form है जो कि have के बाद verb का third form आता है, आपको पता है. तो lay का मतलब होता है किसी भी चीज का new डालना, अर्थात वो नया चीज उत्पन्न होगा वहां पर, उसका past participle form है, verb का third form यहाँ इस्तेमाल हुआ. appears to have laid यानी कि ऐसा मालूम पड़ता है कि इसने इस चीज की न्यू डाली है. किस चीज का? verb deeply entrenched social prejudices. इसका मतलब आप समझ लें, social मतलब सामाजिक, prejudices का मतलब पूर्वाग्रह. पहले से ही हम ये मानकर बैठे हैं कि ये ऐसा होता है तो इसको पूर्वाग्रह बोलते हैं, यानी कि पहले ही मान लिए कि वो गलत आदमी है. बिना फैक्ट जाने हुए, बिना सच्चाई को सामने आए हुए, हम पहले से ही मानकर बैठ जाएं तो वो प्रेजुडिसेस कहलाता है, जिसको हिंदी में पूर्वाग्रह बोलते हैं. तो कहता है कि जो सोशल प्रेजुडिसेस है वो इंट्रेंच्ड हो चुका है, मतलब ये इस तरह से फर्मली, यानी कि इट्स अनलाइकली टू चेंज, मतलब ये संभवतः बदलने वाला नहीं है. तो इतनी गहराई से बैठ चुका है, डीपली इंट्रेंच्ड यानी कि बिल्कुल गहराई से बैठ चुका है ये जो सामाजिक पूर्वाग्रह है, ठीक है. एंड बेयर, याद रखेंगे बेयर जो वर्ड है इसका मतलब होता है नंगा, बिल्कुल ओपन, बिना कपड़े का या कुछ. लेकिन यहाँ पर जो बेयर वर्ड है वो वेरी के सेंस में है, VERY, वेरी, ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोलता है कि सुशांत सिंह की जो मृत्यु है, ऐसा मालूम पड़ता है कि इसने जो है एक न्यू डाल दी है सामाजिक
जो एक पूर्वाग्रह है उसका, और भी किस तरह का, बहुत ही गहराई से, यानी कि बहुत ही गहराई से ये सामाजिक पूर्वाग्रह जो है वो बैठ चुका है। किसकी वजह से? सुशांत सिंह की जो मृत्यु हुई उसकी वजह से। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। आपको इस पूरे एडिटोरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड पैटर्न सेंटेंस का सीखने को मिलेगा, इसलिए इस पूरे एपिसोड को अंत तक आप बिल्कुल पेशेंस के साथ सीखें, देखें। आगे चलते हैं। अ यंग टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर, यानी कि एक बॉलीवुड एक्टर है जो कि यंग है, नौजवान है और टैलेंटेड है, काफ़ी क्षमतावान है, काफ़ी उसके पास गुण हैं। ट्रैजिकली मतलब पेनफुली, डिस्ट्रेसफुली, बिल्कुल यहाँ पर ट्रैजिकली का मतलब हो गया बहुत ही बुरे तरीके से, दुखद तरीके से, एंडेड हिज लाइफ ऑन जून 14, अपनी लाइफ का अंत कर लिया उसने। एंड वर्ब हुआ और उसका ईडी फॉर्म लगा करके एंडेड, है ना, सेकंड फॉर्म लगा करके, मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर है। उसने 14 जून को अपने लाइफ को अंत कर लिया। बट लेकिन द इवेंट्स दैट फॉलोड, यानी कि जो घटनाएं इसके उत्तरोत्तर घटी, फॉलो का मतलब किसी एक घटना के से जुड़ा हुआ, बाद में जितनी घटनाएं घटेंगे वो सारे को हम फॉलो करना बोलेंगे कि वो इस घटना का फॉलोअर है, है ना, यानी कि उसके बाद में आ रहा है ये। तो कहता है कि लेकिन द इवेंट्स, जो भी घटनाएं जो घटी, है ना, बाद में सुशांत सिंह राजपूत डेथ, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद जो भी घटनाएं घटी, तो ये मृत्यु कैसे हुआ, बाय सुसाइड, जो कि आत्महत्या के द्वारा हुआ, हैव बीन, अब यहाँ पर रखें हैव बीन क्यों हुआ, ये तो वर्ब जो है ये प्लुरल के लिए है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, द इवेंट्स, ठीक है, द इवेंट्स हैव बीन, राइट, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, इसका हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, द इवेंट्स हैव बीन इवन मोर शॉकिंग, यानी कि जो घटनाएं उसकी मृत्यु के बाद घटी, ठीक है, वो सारी घटनाएं यहां तक कि वो बिल्कुल कुछ ज्यादा ही शॉकिंग था, मतलब ज्यादा आपको भौचक्का कर देने वाला था, आपको हतप्रभ कर देने वाली वो घटनाएं थी। ऑन फुल डिस्प्ले, यानी कि पूरी ये जो नौ नौटंकी हुआ, ये सारे जो नौटंकी हो रहे थे, ठीक है, इन द सबसिक्वेंट वीक्स, मतलब सबसिक्वेंट का मतलब होता है बाद का, है ना, ठीक उसके बाद वाला, सबसिक्वेंट मीन्स ठीक उसके बाद वाला, यानी कि ठीक बाद की जो सप्ताहे हैं, वे सम ऑफ द वर्स्ट रिग्रेसिव ट्रेड्स वेर सम ऑफ द वर्स्ट रिग्रेसिव ट्रेड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाद के वीक में जो भी इस तरह की जो आप नौटंकी आप देखे, जो हो हल्ला धोड़धड़ाका जो आप देखे, तो सम ऑफ द वर्स्ट रिग्रेसिव थ्रेट्स, यानी कि उसमें जो है वो भारतीय समाज का टिपिकल टाइप का है। थ्रेट्स का मतलब होता है टिपिकल टाइप का, मतलब बिल्कुल वो इसी समाज में ही देखा जा सकता है, ठीक है, और वो उसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, यानी कि भारतीय समाज का वो एक स्पेशल गुण जो है, लक्षण जो है, और वो किस तरह का है, बिल्कुल घटिया, रिग्रेसिव, और रिग्रेसिव का मतलब होता है बिल्कुल पिछड़ा हुआ सोच वाला, तो वो बिल्कुल दिख रहा था। वो कैसे था, फ्रॉम मिसाजनी, याद रखेंगे इस वर्ड को, और इससे जुड़े हुए आपको कोई भी वर्ड मिले तो कैसे याद रखना है, आपको कहीं भी वर्ड में मिसो मिले आप समझ लीजिए वो घृणा से संबंधित है, हेट से संबंधित है। एंड जाइन वर्ड जो है वो विमेन से जुड़ा होता है, यानी कि मिसोजाइन यहाँ पर है, मिसाजनी, जिसको पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन इसका है मिसाजनी, तो मिसाजनी का मतलब हो गया घृणा, किसके प्रति, औरतों के प्रति। तो कहता है कि औरतों के प्रति जो घृणा है वहाँ से लेकर के इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि किसी की निजता की हनन, इन्वेशन का मतलब यहाँ पर हनन से है ना, इन्वेड वर्ड से बना, इन्वेड मतलब हमला करना, इन्वेशन उसका नाउन हो गया, यानी कि आप किसी की निजता पर हमला कर रहे हैं, यानी कि हनन कर रहे हैं, तो किसी की निजता का हनन, वॉयरिस्टिक ग्ली,
टू अ कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी। तो कहता है कि औरतों के प्रति घृणा से लेकर के किसी के निजता की हनन और वॉयरिस्टिक ग्ली, याद रखेंगे ग्ली मतलब खुशी होता है, लेकिन किस तरह का, याद रखेंगे बहुत ही अच्छी वर्ड है ये, किसी दूसरे के दुख को देखकर जो हमें सुख मिलता है, खुशी मिलती है, उस तरह की खुशी को इंग्लिश में ग्ली बोला जाता है, ग्ली, राइट। और यहाँ पर वॉयरिस्टिक जो है इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी कि यह भी उसी सेंस में है कि किसी भी दूसरे के बुरी अवस्था में देख करके, उनको कष्ट में देख करके जो सुख प्राप्त होता है, जो खुशी प्राप्त होती है, उसको हम वॉयरिस्टिक बोलते हैं। यानी कि जो दूसरों को देख करके खुश होने वाली जो प्रवृत्ति है, उससे लेकर के टू कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी, है ना, यानी कि एक सामूहिक रूप से जो हानि हुआ है किसी का क्लैरिटी का, कि कहीं भी कुछ क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है, कि स्थिति है क्या, लेकिन लोग बस एक प्रेजुडिसेस के साथ, पूर्वाग्रह के साथ, या फिर जो हमारे इंडियन सोसाइटी में इस तरह की जो सोच होती है, वो सब कुछ जो है वो फुल फ्लेज में ऑन फुल डिस्प्ले वो पूरी तरह से स्पष्ट क्लियर दिख रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल हेल ब्रोक लूज, ये एक idiom है जिसका मतलब होता है, ऑल हेल ब्रेक लूज एक idiom है जिसका मतलब होता है सडन पैंडेमोनियम। अब इसका मतलब समझ लें, अचानक जब अशांति फैल जाए, चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाए, सब कुछ खौस जैसा उत्पन्न हो जाए, है ना, सब बिल्कुल दुर्दशा जैसा दिखने लगे, तो उसे इंग्लिश में ऑल हेल ब्रेक लूज बोलते हैं, ठीक है। अब इसको समझ ले, तो कहता है कि ऑल हेल ब्रोक लूज, यानी कि बिल्कुल अवस्था जो है से अचानक अफरा तफरी वाली मच गई, हो हल्ला शुरू हो गया, ठीक है, चारों तरफ अशांति फैल गई। सुन तुरंत, आफ्टर हिज फैमिली अक्यूज्ड, हिज किसके लिए आया, उस एक्टर के लिए जिन्होंने अपने आप को, अपने लाइफ को एंड कर लिया, यानी कि सुशांत सिंह की जो फैमिली है, जब उसने अक्यूज किया, यानी कि आरोप लगाया, दोष मढ़ा द 34-year-old एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड, किसको, 34 वर्ष के जो ये अभिनेता हैं, उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, 28, जिसकी उम्र 28 है, ऑफ फाउल प्ले, किस तरह का आरोप लगाया, फाउल प्ले का, याद रखेंगे जो फुटबॉल खेलते या देखे होंगे उनको पता होगा, फाउल का मतलब होता है चीटिंग करना, लेकिन यहाँ पर फाउल प्ले एक कंपोजिट वर्ड है जिसका मतलब होता है इस तरह का अपराध जिसकी वजह से किसी की मृत्यु हो सकती है, तो इस तरह के अपराध को, इस तरह के कुकृत्य को फाउल प्ले बोला जाता है। तो कहता है कि इस तरह का आरोप जो है वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाया गया उसके फैमिली के द्वारा। द ग्रीफ स्ट्राइकिंग फादर, ग्रीफ मतलब दुख, स्ट्राइकिंग मतलब पीड़ित, यानी कि दुख से पीड़ित जो पिता है, सेड बोला, She had poisoned his son, कि उसने यानी कि रिया चक्रवर्ती ने उसके बेटे को पॉइजन किया है, यानी कि जहर दे दिया है, एंड filed an FIR, और एक FIR दर्ज किया, charging, है ना, यह आरोप मढ़ते हुए रिया विद abetment सुसाइड, तो उसके ऊपर किस तरह का चार्ज मढ़ा, कि इसने सुसाइड के लिए उकसाया। अबेट वर्ड होता है इंग्लिश में, अबेट, ABET, इस अबेट का मतलब होता है किसी को इंसाइट करना, भड़काना, किस तरह से, कि वो कोई एक्सट्रीम, बिल्कुल ही एक्सट्रीम कदम ले, जैसे सुसाइड हो गया है, इस तरह का कोई एक्सट्रीम इंसिडेंट कुछ कर सके, बिल्कुल गलत काम करने पर तुल हो जाए वो, तो उसको हम अबेट वर्ड बोलते हैं, उसी का जो है यहाँ पर एक वर्ड बनाया है अबेट से, अबेटमेंट, ठीक है। तो अबेटमेंट सुसाइड का मतलब हो गया, मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना, तो इस तरह के क्राइम का जो है उसके ऊपर चार्ज लगाया गया, किसके ऊपर, रिया के ऊपर। अ क्राइम, ये किस तरह का क्राइम है, अबेटमेंट सुसाइड, अ क्राइम
पनिशेबल, जो कि सजा का योग्य है, बाय अप टू 10 इयर्स इन प्रिजन। मतलब इस तरह का जो आरोप है, इस तरह के जो केस है, इसमें 10 साल तक जो है वो जेल की सजा हो सकती है। ठीक है। अ सेक्शन ऑफ मीडिया, मतलब मीडिया के जो कुछ भाग हैं, कुछ खंड हैं, कुछ पार्ट हैं, पाउंस्ड ऑन रिया। पाउंस जो है आप याद रखेंगे, जैसे आपने किसी बिल्ली को, लॉयन को या टाइगर को अपने शिकार को झपट करके पकड़ते हुए आपने देखा होगा, तो पाउंस का मतलब वही है, झपट करके घेर लेना किसी को चारों तरफ से, है ना, उसको परेशान करना, तो पाउंस का मतलब यहाँ पर वो है। तो कुछ कहता है कि मीडिया का कुछ सेक्शन जो है, एक सेक्शन जो है वो रिया पर क्या हुआ, पाउंस किया, यानी कि एक तरह से शिकार अपना बना लिया उसका, टर्मिंग हर, उसको बताते हुए ए गाउल्ड डिगर। ये वर्ड जो है ना, गाउल्ड डिगर, इसका मतलब होता है अ गर्ल हु मेक रिलेशनशिप विद अ बॉय फॉर मनी, यानी कि पैसे के लिए, पैसे के खाते अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में होती है, तो उस तरह की लड़की को गाउल्ड डिगर बोलते हैं। तो ये जो मीडिया है, इसने रिया को गोल्ड डिगर कहने लगी कि भाई ये पैसे के लिए उसके साथ थे सिर्फ। तो इस तरह का जो है मीडिया में शुरू हो गया। इन हैंडेड आउट इंस्टेंट वर्डिक्ट्स इन द न्यूज रूम, और ये जो मीडिया है वो न्यूज रूम में ही, यानी कि जहां से न्यूज रिले होती है, वहीं से ही तुरंत, इंस्टेंट मतलब तुरंत, है ना, वर्डिक्ट्स का मतलब होता है न्याय, एंड हैंड आउट का मतलब दे दिया। अब यहां पर समझे हैंड आउट का मतलब क्या होता है। हैंड आउट का मतलब होता है बिना फी का वकील बनना, है ना, जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलरली आपको नहीं ऑफर किया गया है, लेकिन आप अपने से ही सब कुछ शुरू कर दिए, है ना। तो कह रहा है कि इस तरह से न्यूज रूम में ही बैठकर एंकर्स जो हैं, कुछ मीडिया जो है, वो न्याय तुरंत का तुरंत दे दिया। क्लियर है। एंकर्स अपीयर टू हैव लिटिल टाइम, ऐसा मालूम पड़ता है कि जो एंकर्स हैं उनके पास टाइम की कमी है। लिटिल, लिटिल वर्ड के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब हो गया ना के बराबर, यानी कि समय उनके पास है ही नहीं ऐसा लग रहा है। तो डिस्कस, इस बात पर डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए, किस बात पर, इंडियाज क्रॉसिंग 4 मिलियन COVID-19 केस, कि भारत में COVID-19 की जो केस है वो 4 मिलियन से भी पार कर चुका है, यानी कि 40 लाख से भी अधिक हो चुका है, इसके लिए उनके पास समय नहीं दिख रहा है। द 23.9% GDP कंट्रैक्शन, और GDP जो है वो 23.9% घट चुकी है, कम हो गई है, कंट्रैक्शन का मतलब कम हो गई है, श्रिंक हो गया है, ठीक है, प्लंज हो गया है। ओ द हाइटेंड बॉर्डर टेंशन, और बॉर्डर पर जो टेंशन है वो बढ़ चुका है, हाइटेंड मतलब बढ़ चुका है, है ना, हाइट का मतलब आपको ऊंचाई पता है, और उसी वर्ड से एक वर्ब का वर्ड बनता है हाइटन, और उसमें ईडी लगा दिए, ये बन गया हाइटेंड, यानी कि ये बॉर्डर पर जो टेंशन है वो बढ़ चुका है। ठीक है। तो इन सभी मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं दिख रहा है। That Susan hailed from pole bound Bihar added a political dimension impossible to ignore. यहाँ पर बोलता है कि सुशांत जो है वो hail from एक वर्ड है जिसका मतलब होता है belong to, यानी कि किसी जगह से अगर कोई संबंध रखता हो या वहां से आता हो, जैसे बोलते हैं I hail from बिहार, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो कहता है कि दैट सुशांत हेल फ्रॉम पोल पाउन बिहार, कहता है कि ये जो सुशांत हैं वो उस जगह से भी बिलोंग करते हैं, हेल फ्रॉम मतलब बिलोंग करते थे, जो कि पोल बाउंड है, यानी कि जहाँ पर इलेक्शन होने वाली है, पोल बाउंड बिहार मतलब बिहार में इलेक्शन होने वाली है। एडिट, एडिट का मतलब इसमें एक नया चीज ऐड हो गया, जुड़ गया, अ पॉलिटिकल डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब एस्पेक्ट, यानी कि एक राजनीतिक क्षेत्र जो है, एक राजनीतिक पहलू इसमें जुड़ गया, इम्पॉसिबल टू इग्नोर,
जिसको इग्नोर करना, इनकार कर देना, नकार देना असंभव भी दिख रहा था। ठीक है, द एक्टर, ये जो एक्टर हैं, अभिनेता हैं, रिपोर्टेड टू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो जैसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये सफर कर रहे थे, जूझ रहे थे किससे, डिप्रेशन से, अवसाद से। ठीक है, लिव्ड इन मुंबई, मुंबई में रहते थे, विच इज नाउ रूल्ड बाई, जो विच किसके लिए है, मुंबई के लिए, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये जो मुंबई है इज नाउ रूल्ड बाई, तो यहां पर शासन की जाती है किसके द्वारा, स्ट्रेंज भारतीय जनता पार्टी पार्टनर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उस पार्टनर के द्वारा जो पहले इसका कभी पार्टनर रहा करता था, लेकिन अब वो स्ट्रेंज हो गया। स्ट्रेंज का मतलब जो इसे अलाइनेटेड हो गया है, इसको छोड़ चुका है, अब इससे अफेक्शन खत्म हो गई है, अब इससे कोई जुड़ाव उसका नहीं रहा है। कौन है वो, द शिवसेना। ठीक है, यानी कि मुंबई जहां पर शिवसेना की सरकार है, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी की पार्टनर हुआ करती थी, अब नहीं है, टुगेदर विद द नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसको एनसीपी बोलते हैं, उसके साथ इन कांग्रेस, तो यानी कि शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल करके वहां पर शासन कर रही है। इन हिज डिमाइज, और उसकी जो मृत्यु है, डिमाइज मीन्स डेथ, किसका, उस एक्टर का, हैज बिकम पॉलिटिकल फॉडर। हिज डेथ सब्जेक्ट हो गया, हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो चूंकि हैज है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, यहाँ पर बिकम हो गया, तो उसकी जो मृत्यु है, हैज बिकम पॉलिटिकल फॉडर। फॉडर का मतलब चारा, एक तरह का भोजन, तो यह एक राजनीतिक चारा, भोजन बन गया है ना। क्रॉसिंग लिमिट्स ऑफ डिसेंसी, जिसमें रेस्पेक्ट का, सम्मान का कोई सीमा नहीं रह गया है, सारे सीमाएं जो है वो टूट चुके हैं। ड्रॉइंग इन अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जिसमें बॉलीवुड के कुछ अन्य जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इसमें खींचे जा चुके हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं, उनको घसीटा जा चुका है। ठीक है, थ्री टॉप गवर्नमेंट एजेंसी, सरकार की तीन उच्च स्तरीय एजेंसियां, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिसको ईडी बोलते हैं, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात सीबीआई, एंड द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी। ग्रिल्ड, ग्रिल्ड का मतलब समझ लें, ग्रिल जो आपके घर में लगते हैं जिससे दरवाजा बंद होता है, तो उसी तरह से बोल रहा है कि रिया को कई दिनों तक, फोर डेज मतलब कई दिनों तक ग्रिल कर लिया इन तीनों एजेंसियों ने। अब इस ग्रिल जो वर्ड है ना, इसको समझने पहले यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, यहाँ पर मतलब होता है उसको अपनी कस्टडी में रख करके पूछताछ, इंट्रोगेशन के तौर पर। तो यहां पर क्या कर रहा है कि कई दिनों तक इन एजेंसियों ने रिया से पूछताछ किया। एम आई क्लियर? चलिए, द एनसीबी फाइनली अरेस्टेड हर, तो एनसीबी जो है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसने अरेस्ट कर लिया उसे, किसे, रिया को, हर ऑन सितंबर 8, 8 सितंबर को, लिंकिंग हर, वो मतलब जोड़ते हुए, लिंक करते हुए हर to a drugs case, किस केस में, ड्रग के केस में, इन सुशांत डेथ प्रॉब, यानी कि सुशांत की जो मृत्यु है उसकी जो जांच हो रही थी, प्रॉब मीन्स जांच, उससे जो है एक ड्रग का केस जोड़ा गया और उसमें जो है उसको अरेस्ट किया गया। रिया हैज डिनाइड, रिया ने इनकार किया है एनी रॉन्ग डूइंग, कि उसने कोई गलती की है, राइट, टेलिंग द मीडिया, मीडिया को बताते हुए, दैट She didn't speak, उसने नहीं बोली, after Sushant's passing away. Pass away का मतलब होता है स्वर्ग सुधार जाना या मृत्यु हो जाना। तो सुशांत की मृत्यु के बाद उसने मीडिया को या किसी को भी किसी तरह का बाइट नहीं दिया है, कुछ नहीं बोला है, आउट ऑफ ग्रीफ, यानी कि दुख के कारण, ठीक है, एंड रेस्पेक्ट फॉर हिम, और सुशांत के रेस्पेक्ट के कारण उसने कुछ नहीं बोली, राइट। वेदर रिया हैज कमिटेड अ क्राइम द लॉ विल डिसाइड, अब यहां पर जो वेदर वर्ड है उसका मतलब क्या हुआ, की है या नहीं, है या नहीं, रिया हैज कमिटेड अ क्राइम, रिया ने क्राइम की है या नहीं, तो वेदर से ये सेंस आ रहा है या नहीं, मतलब दोनों के सेंस में, की है या नहीं, क्या
क्राइम द लॉ विल डिसाइड, यह क्या डिसाइड करेगा, कानून डिसाइड करेगी, कानून निर्णय लेगी कि उसने क्राइम की है या नहीं, ठीक है। तो ये जो की है या नहीं का सेंस जो है वो वेदर से आ रहा है, मैं क्लियर, आगे देखते हैं। बट लेकिन एज सी एंड हर फैमिली फाइट दिस बैटल, जैसा कि वह अर्थात रिया एंड उसके फैमिली उसके परिवार फाइट दिस बैटल, यह लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। दिस पाथ लाइट इज फर्मली ऑन इंडियन सोसाइटी, तो जो पूरा ध्यानाकर्षण है, मेन जो आकर्षण का बिंदु है वो कहाँ पर है, वह पूरी तरह से इंडियन सोसाइटी पर है, यानी कि भारत की जो समाज है, भारतीय समाज है, उस पर है। एंड इट्स और इसका डीपली इंट्वेंस्ड प्रेजुडिसेस, यानी कि जो पूरी तरह से घर कर चुका है पूर्वाग्रह, उस पर है। विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, यानी कि जो औरतों के लिए उनके अधिकार के लिए जो लड़ने वाले जो एक्टिविस्ट होते हैं उन्होंने, हैव स्पोकन अप अगेंस्ट, यानी कि उसके खिलाफ बोली, किसके खिलाफ, द डिमोनाइजेशन ऑफ रिया, कि रिया को आप जो है से डिमोनाइज कर रहे हैं, अर्थात उसको धमकी दे रहे हैं, हर तरह से उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके खिलाफ। इन हाउ जेंडर, और किस तरह से जेंडर द क्लॉथ शी वोर, किस तरह की वो कपड़े पहनती है, द अनडिफाइंड रिलेशनशिप शी हैड विद द एक्टर, और उस रिश्ते के बारे में कि वो उस एक्टर, द एक्टर का मतलब यहाँ पर किससे संबंधित है, ये है, ये सुशांत सिंह से संबंधित है ना, द एक्टर, यानी कि उस एक्टर के साथ, उस अभिनेता के साथ उसका किस तरह का रिश्ता है, एक अनडिफाइंड रिलेशनशिप था, मतलब जिसको हम समाज में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो उस तरह से आप परिभाषित रिलेशनशिप के बारे में, तो ये सब मिला करके प्लेड अ रोल, है ना। तो ये सारे जो है एक रोल अदा किया है उसको डिमोनाइज करने में, रिया को, मैं क्लियर। वोट इज परहैप्स मोर डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग का मतलब यहाँ पर वरिंग, चिंता की बात याद रखेंगे, मैटर के लिए जो का इंग्लिश वॉट होता है, इसीलिए यहाँ पर वॉट का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ। वॉट इज परहैप्स मोर डिस्टर्बिंग, यानी कि जो सबसे ज्यादा शायद चिंता की विषय है, तो क्या है पर बोला, वॉट इज परहैप्स मोर डिस्टर्बिंग, जो संभवतः सबसे ज्यादा चिंता की विषय है वो है इज, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, वॉट इज परहैप्स मोर डिस्टर्बिंग, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, एंड इज इसका हेल्पर, वो है दैट की मेनी विमेन, कई औरतें, फार फ्रॉम एम्फसाइजिंग विद अ गर्ल हु लॉस्ट हर बॉयफ्रेंड इन सच सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ कहता है कि कई औरतें, फार फ्रॉम एक idiom है जिसका मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट, यानी कि एम्फसाइजिंग, यानी कि फार फ्रॉम एम्फसाइजिंग, एम्पैथी जो वर्ड है उसका मतलब होता है संवेदना व्यक्त करना, सहानुभूति रखना, ठीक है। तो कहता है कि कई औरतें इस लड़की के प्रति संवेदना रखने के बजाय, फार फ्रॉम का मतलब उससे बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, एम्पैथी नहीं रख करके वो उल्टा कर रहे हैं, कोई संवेदना नहीं रख रहे हैं, इसलिए फार फ्रॉम एम्पैथी का मतलब कोई संवेदना नहीं दिखा रहे हैं, विद ए गर्ल, एक लड़की के साथ, हु लॉस्ट हर बॉयफ्रेंड, जिसने अपना बॉयफ्रेंड खो दिया है, इन सच सर्कमस्टांसेस, इस तरह की परिस्थिति में, हैव बीन, याद रखें किसके लिए आया, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, मेनी विमेन, मेनी विमेन हैव बीन क्विक प्रनाउंस रिया गिल्टी, यानी कि कई औरतें हैं जो बहुत ही जल्दीबाजी में प्रनाउंस कर रहे हैं गिल्टी, यानी कि दोषी ठहरा रहे हैं। प्रनाउंस का मतलब होता है कुछ भी आप डिक्लेयर जो करते हैं, बोलते हैं, है ना, तो वो यहाँ पर क्या प्रोनाउंस हो रहा है, गिल्टी, यानी कि दोषी करार दे रहे हैं, तो रिया को दोषी करार दे रहे हैं त्वरित, क्विक तरीके से, ऑफ एनी नंबर ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, मतलब कुछ भी गलती बोल रहे हैं कि वह ऐसे करती है, वो करती है, तो किसी भी तरह की जो कुकृत्य है उससे जोड़ करके हम सीधा उसको क्या बोल रहे हैं कि वह दोषी है। That people could erupt with joy at her arrest on charges not directly related to the death is an indication. मैंने इसको हाईलाइट पूरी को इसलिए किया है आपको समझाने के लिए
कि जो इज हेल्पिंग वर्ब है ना उसका एक सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, इंडिकेशन क्या है, क्या है जो इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है, दैट की पीपल कूद एरप्ट विद जॉय एट हर अरेस्ट ऑन चार्जेस नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेथ। इसके बारे में यह जो है इंगित कर रहा है कि लोग जो है वो खुशी से, इरप्ट का मतलब होता है फूटना, और ये अपने साथ विद प्रपोजिशन ले रहा है, यानी कि किसी चीज के साथ फूटना, यानी कि खुशी के मारे बाहर अपना पूरा एक्सप्रेशन शो करना, तो मतलब यहाँ पर हो गया खुशी शो करना। तो पीपल जो है वो खुशी अपना जो है दिखा सकते थे एट हर अरेस्ट, उसके अरेस्ट पर, उसके अरेस्ट होने पर, ऑन चार्जेस, उन चार्जेस पर, उन आरोप पर, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेथ, जो कि उसके मृत्यु से जुड़ा हुआ नहीं है। यह है इंडिकेशन। इसलिए पूरा का पूरा ये जो आपको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये सब्जेक्ट है और उसका हेल्पिंग वर्ब इज है, राइट। तो ये एक तरह का इंडिकेशन है, यह एक तरह का बतला रहा है, संकेत दे रहा है, दैट की वेग, वेग का मतलब नॉट क्लियर, जो छुपा हुआ है, क्या डिमांड्स, वह मांग ऑफ जस्टिस फॉर सुशांत हैव प्लेड आउट एज ए ब्लड स्पॉट। तो यह जो छुपा हुआ मांग है सुशांत के लिए, जो न्याय की मांग है, हैव प्लेड, उसने एक रोल अदा किया है, प्लेड आउट एज ए ब्लड स्पॉट, किस तरह का खूनी खेल का एक रोल पर जो है वो अदा किया है। A mob that seems to find its voice through TV anchors, यानी कि एक गुसेल भीड़ है जो मालूम पड़ती है कि उसका आवाज जो है टीवी के एंकरों के थ्रू बाहर आए। फाइंड इट्स वॉइस मतलब अपना आवाज जो है वो टीवी एंकर्स के थ्रू दिखाना चाहता है अपना वॉइस, ठीक है। एंड और सोशल मीडिया एपियर्स, और जो सोशल मीडिया है वो ऐसी मालूम पड़ती है टू हैव ओवररूल्ड आइडियाज ऑफ जस्टिस फेयरनेस एंड इवन द लॉ। तो ये सोशल मीडिया जो है वो ऐसा मालूम पड़ती है कि उसने न्याय से संबंधित जो भी आइडियाज हैं उसको नकार दिया है, ठीक है। फेयरनेस यानी कि जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए उसको नकार दिया है, इवन द लॉ यहाँ तक कि कानून को भी ताखा पर रख दिया है। ओवरऑल मतलब ताखा पर रख देना, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट यह महत्वपूर्ण है दैट इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, भारत की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, यह जो सिस्टम है न्याय का, डिलीवर्स जस्टिस इन दिस केस, तो इस केस में न्याय देगी। याद रखेंगे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ न्याय देगी, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है। तो जब कोई किसी सिस्टम का या किसी पर्सन का वो रोल हो और वो उसे करना होता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्यूचर सेंटेंस होने के बावजूद हम करते हैं, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि यह सिस्टम जो है वो न्याय देती है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेंड्स होप आई हैव मेड माई पॉइंट्स क्लियर, होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड योर सर्कल। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून टू द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।